आप सभी एक ऐसे प्लानर, एक ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी की खोज में हैं जो 100% इफेक्टिव हो, जो 100% आपको 95% स्कोर कराए एटलीस्ट। तो वैसा ही प्लानर या वैसा ही स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है स्ट्रेटेजी का ब्रह्मास्त्र लेकर मैं आई हूँ। आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो कभी भी फेल नहीं होगा, 100% वर्क करेगा आपके लिए, 100% इफेक्टिव होगा। बस क्या करना है आपको, जो मैं बताऊंगी अभी वीडियो में उसको ध्यान से सुनना है। अपने कॉपी पेन पे अगर याद नहीं रहेगा आपको तो कॉपी पेन निकालिए और लिख लीजिए कि क्या कहा है मैम ने, उसे ध्यान से फॉलो कीजिए, एज इट इज कीजिएगा। जो भी बात वीडियो में बताया जाएगा उस तरीके से आप करेंगे तो एकदम श्योर है कि आप स्कोर अच्छा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिए कि जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। फॉलो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप 5 ईयर्स के PYQs को ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। अब उसमें इंक्लूड करना है कैसा क्वेश्चन, देखिए किसी भी चैप्टर से बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं, रीजन असर्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, चाहे जैसे भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उनको आपको रखना है अपने पास सामने। उसके बाद आपको पहले क्या करना है, उस PYQs को सॉल्व करना है। नंबर वन क्या किया आपने कि क्वेश्चंस को अपने सामने रखा। आप मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिस टॉपिक का क्वेश्चन आप देख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी सामने रखिए, वो आप उस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर के लिए एनसीईआरटी बुक भी सामने रखिए और रेफरेंस बुक भी आप अपने सामने रखें। सामने मतलब खोल के नहीं, पहले आप क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQs आप देखेंगे। अगर आपने किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर वो सही हुआ तो ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपने उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो सॉल्व किया, जिस थ्योरी से किया, जिस कॉन्सेप्ट से किया, क्या वो सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मसलन कि उसमें क्या करते हैं कि तुक्केबाजी में सही हो गया और आपको लगा कि वो सही हो गया। नहीं, आपको वैसा नहीं करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट के साथ समझना है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप जब बना रहे हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ के आपने टिक लगाया है। अगर सही है तो ओके है, अगर सही नहीं है तो क्या करना है वो सुन लिया ध्यान से। आपने कर लिया एक 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 चैप्टर उठाया, उसका सारा PYQs ले लिया, सारा इंक्लूडेड है उसमें। अब आपको क्या करना है कि आपने जब क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का आंसर करते वक्त आपको ये फील आएगा कि आपने कहीं कुछ गलती कर दी है, कुछ आपको लिखने में परेशानी आएगी, कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, और कहीं आप बना भी लोगे अच्छे से कोई दिक्कत नहीं, तो जहां भी परेशानी आए बस उसको गोल घेरिए, उसको क्या कीजिए फिर अपने नोट्स में जहां भी आपने उससे रिलेटेड नोट्स बनाया है उसको स्टडी कीजिए। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी एनसीईआरटी में कुछ लिखा है वहां पे जाके फिर से स्टडी कर लीजिए। मींस कहने का उस समय के प्रॉब्लम को उसी समय हर एक चीज से जहां से भी आपने पढ़ के रखा हुआ है सॉल्व कीजिए, ताकि आपके मन में किसी प्रकार की किसी प्रकार का ये नहीं रह जाए, आपको कोई परेशानी नहीं रह जाए, कि ऐसा नहीं रह जाए दिमाग में कि मैंने ये टॉपिक तो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, मैंने अपने रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ा, मैंने अपने नोट्स से नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी। आप अगर ओसवाल का गेस पेपर लेते हैं, सैंपल पेपर लेते हैं, तो उसे भी सॉल्व जब आप कर रहे हैं तो एकदम ध्यान से कीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे किया गया, ताकि एक बारी में उस चैप्टर का तैयारी आपका हो जाए। आपको लगेगा कि ये क्या ही स्ट्रेटेजी आप बता रही हैं, ये तो बहुत लॉन्ग बहुत समय ले लेगा, एकदम नहीं लेगा। एक बारी आप करके देखिए, अपना के देखिए, 5 दिन में 5 चैप्टर करके तो देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आपका कॉन्फिडेंट लेवल एकदम हाई हो जाएगा कि मेरी तैयारी हो चुकी है, एग्जाम देने के लिए मैं तैयार हूँ और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि एक बात आप सभी को पता है कि ऐसा जरूरत नहीं है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाए, उस क्वेश्चन से बेस्ड कॉन्सेप्ट सीख लेना बहुत जरूरी है। कि आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उस कॉन्सेप्ट को आप लगा के दूसरे क्वेश्चन को अगर घुमा के भी कोई क्वेश्चन देगा तो आप उसे कर पाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी पढ़ना है, अगर आपसे गलती हुई है तो उस कॉन्सेप्ट को उसी समय हर एक जगह से क्लियर कीजिए, किसी भी प्रकार का आप दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से पहले इस स्ट्रेटेजी को मानिए, इसी तरीके से जैसे मैंने कहा है आप करके देखिए, आपको 100% वर्क करेगा और आगे और भी आपके टाइम टेबल और आपके लिए स्ट्रेटेजी के लिए वीडियोज में लाऊंगी। तो वीडियोज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे वीडियोज आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।